आज मैं आप लोगों के साथ अष्टमी और नवमी पर बनने वाले भोग प्रसाद की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बेहद ही आसान है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, एकदम भंडारे वाला सूजी का हलवा। सूजी का हलवा खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और बनाने में काफ़ी आसान। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज और चटपटी चटोरी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ अष्टमी पर बनने वाले सूजी के हलवे की जो है रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और साथ में ही बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग और झटपट से बन जाने वाले काले चने हम बनाएंगे। सूजी का हलवा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और बहुत ही आसानी से बन जाता है, और काले चने आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप माता रानी के भोग के लिए इन्हें प्रसाद के तौर पर बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। अष्टमी और नवमी पर हर किसी के घर में ये हलवा, पूड़ी और काले चने का प्रसाद बनता है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। यकीन मानिए, इस प्रसाद का स्वाद ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो चलिए फिर बनाते हैं झटपट से सबसे पहले सूजी का हलवा, जो बहुत ही आसान है। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस जो है सूजी का भंडारे वाला हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और 1 ही कप घी लिया है। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी 1 कप या कटोरी जो है सेट कर लीजिए, जो भी आसानी से आपको घर में अवेलेबल हो, उसी से ही सेम क्वांटिटी में सूजी लीजिए, सेम क्वांटिटी में ही घी और शक्कर लीजिए। तीनों का माप एकदम बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर लिया है। अब हम लेंगे एक पैन या कढ़ाई और उसमें ऐड करेंगे देसी घी। मैं यहाँ देसी घी ले रही हूँ, आप चाहें तो दूसरा जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो वो ले सकते हैं। इसमें से थोड़ा सा घी मैंने बचा लिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा, हम उसमें डालेंगे सूजी और फ्लेम को कर देंगे लो। और बस फ्लेम को लो करने के बाद हमें जो है लो फ्लेम पर इसे जो है धीमे धीमे भूनना है, ताकि हमारी जो सूजी है ना वो हल्के हल्के भुने और बहुत ही अच्छा उसमें कलर आए। 2 से 3 मिनट जब हमें सूजी को भूनते हुए हो जाएंगे, तब हम जो है फ्लेम को लो ही रखिएगा और उसमें ऐड करेंगे एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट, वो है बेसन। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन से जो है हमारे सूजी के हलवे में बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, हलवे को एक जो है बाइंडिंग मिलेगी। बहुत ही अच्छे से हमें धीमी आंच पर सूजी और बेसन को भूनना है। अब देखिएगा, बेसन डालने से ना सूजी के हलवे का स्वाद दुगना हो जाएगा, एकदम बंधा बंधा हमारा हलवा बनेगा। इस हलवे को बनाने के लिए मैंने जो है 6 से 7 मिनट तक जो है सूजी को अच्छे से भून लिया है, या तब तक जब तक ये इस तरह का हल्का गोल्डन ना हो जाए। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को हम इस स्टेज पर डालने से होगा ये कि यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स है ना, इस घी में अच्छे से भुन जाएंगे, हमें उन्हें अलग से भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, 7 से 8 मिनट अच्छे से सूजी को भून लिया है, अच्छे से सूजी भुन चुकी है। अब यहाँ पर हम पानी डालेंगे। पानी हम डालेंगे 3 कप, 1 कप हमने सूजी ली है तो 3 कप हम जो है पानी ऐड करेंगे। आप यही रेशो रखिएगा, बहुत अच्छा सूजी का हलवा बनेगा आपका। थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर डाला है, आप चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं या इसे बिल्कुल भी अवॉइड, स्किप कर सकते हैं। अच्छे से अब इन्हें हम जो है मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छा कलर आया है फूड कलर डालने से, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद अब इस हलवे को हम जो है 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा छींटे निकलती हैं। और ये देखिए, 3 मिनट के बाद जो है इसकी जो छींटे सी थी ना वो कम हो गई हैं और अच्छे से हमारी जो सूजी है वो फूल गई है। ये देखिए, अब हम अच्छे से एक बार इसे जो है फिर से चला लेंगे। इसमें जितना भी मॉइस्चर है ना वो सारा सूजी जो है ऑब्जर्व कर लेगी, सारा अच्छे से सोक कर लेगी। ये देखिए, धीरे धीरे सूजी ने सारा मॉइस्चर सोक कर लिया है और ऑयल को रिलीज कर दिया है। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 कप शुगर। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। इसे आप अच्छे से जो है मिक्स कर लीजिए। शुगर को अच्छे से जो है इसमें मेल्ट होने दीजिए। शुगर डालने के बाद शुगर जो है अपना मॉइस्चर रिलीज करता है, इसीलिए शुगर डालने के बाद इसे भूनना ज़रूरी है। इतना सा घी मैंने बचा लिया है और ये देखिए, शुगर डालने के बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लिया है। और अब देखिए, इसने जो है अपना घी जो है बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। ये देखिए कितनी अच्छी बाइंडिंग आई है हमारे हलवे में, बहुत ही टेस्टी, यम्मी और डिलीशियस बना है ये। बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है, आप इस मेज़रमेंट के साथ हलवा बनाइए, आपका हलवा भी ना बिल्कुल ऐसा ही बनेगा।
एकदम खिला खिला दानेदार। ये देखिए कितनी अच्छी बाइंडिंग आई है हमारे हलवे में, बहुत ही जो है टेस्टी, एकदम घी से लथपथ, बिल्कुल भंडारे वाला हलवा आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। बस परफेक्ट मेज़रमेंट की ज़रूरत है। आप इस तरह से हलवा बनाएंगे ना तो आपका हलवा भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये लीजिए गर्मा गर्म सूजी का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे कभी भी जो है इंजॉय कर सकते हैं और अष्टमी और नवमी पर इसे जो है प्रसाद के रूप में बना सकते हैं और कन्याओं को दे सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, बिल्कुल भंडारे के जैसा घी में लथपथ, एकदम दानेदार सूजी का हलवा बना है हमारा। बारीक सूजी का इस्तेमाल कीजिएगा, सूजी अगर मोटी हो तो मिक्सर ग्राइंडर में उसे ग्राइंड कर लीजिएगा और इस परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाइएगा, आपका हलवा भी इसी तरह सुपर टेस्टी और डिलीशियस बनेगा। तो चलिए अब बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस प्रसाद वाले काले चने। अष्टमी और नवमी स्पेशल भोग के काले चने बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप काले चने। 1 कप ग्राम में देखें तो ये 250 ग्राम है। ये देखिए इस तरह के जो है ये काले चने होते हैं, इजीली जो है किसी भी किराना स्टोर पर अवेलेबल होते हैं। अब हम इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देंगे। मैंने पहले से ही काले चने भिगो दिए थे। ये देखिए ओवरनाइट रखने के बाद ये अच्छे से फूल गए हैं और जो है डबल हो गए हैं। 8 से 10 घंटे के लिए इन्हें अच्छे से भीगना बहुत ज़रूरी है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए इजीली जो है ये आसानी से जो है कट हो जाते हैं। भिगोने से जो है ना हमारे काले चने बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनते हैं। अब हम इस पानी को जो है रिमूव कर देंगे और यहाँ पर लेंगे हम एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में अब हम जो हमने काले चने भिगो के रखे थे उन्हें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप जो है काले चने लिए थे तो 3 कप जो है मैं पानी डाल रही हूँ। 3 से 3.5 कप पानी जो है वो इनफ होता है। 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें लिड लगाकर 5 से 6 विसल आने का वेट करेंगे। फ्लेम को लो रखिएगा। 5 से 6 विसल आने के बाद हम इसे जो है एक बार चेक कर लेंगे और ये देखिए हमारे जो काले चने हैं ना बहुत अच्छे से जो है कुक हुए हैं, एकदम परफेक्टली कुक्ड। ये देखिए दबाने से ये अच्छे से जो है दब रहे हैं, एकदम सॉफ्ट बने हैं। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें ऐड करेंगे घी या ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करते हो। 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जीरा लिया है और यहाँ पर ली है मैंने बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च। अदरक से ना काले चने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, प्लीज़ इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अच्छे से इसे हम जो है मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पर जो है इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून रेड कश्मीरी मिर्च, 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ धनिया पाउडर लिया है, सॉल्ट लिया है 1/4 टीस्पून, हमने पहले भी इसमें नमक डाला था, 1/4 टीस्पून मैंने ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसका एक पेस्ट सा बनाकर हम जो है रेडी कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से इसे मैंने जो है मिक्स कर लिया है, इससे हमारे सारे मसाले अच्छे से फूल जाते हैं। अब हम इसे साइड में रखेंगे और ये देखिए हमारे जो हरी मिर्च, अदरक और जीरा था वो भी अच्छे से जो है कुक्ड हो गए हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो मसाला पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने अभी बनाया था। ये देखिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से जो है पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर, या तब तक जब तक ये अपना ऑयल रिलीज ना कर दे। अच्छे से इसे आप जो है स्टर करते रहिए और ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद अच्छे से जो है ऑयल रिलीज कर दिया है मसालों ने। ये अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर हम अपने उबले हुए चने ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे एक बार जो है मिक्स कर लेंगे। हमें जो है ये पानी भी इसके साथ ही डालना है, पानी से ही इसमें ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब इसे हम जो है 6 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे ढककर। और ये देखिए 7 मिनट के बाद अच्छे से जो है पानी रिड्यूस हो गया है, हमारे काले चने जो है ना परफेक्टली कुक हुए हैं। ये देखिए एक एक दाना जो है खिला खिला है, मसालों से जो है लिपटा हुआ है। ये देखिए अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम हरा धनिया बारीक कटा हुआ और इसे भी हम एक बार अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए और हमारे जो है ना भोग के लिए, प्रसाद के लिए काले चने बनकर बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी, यम्मी और डिलीशियस लगते हैं। यकीन मानिए काले चने ना खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और ये इतने हेल्दी भी होते हैं।
और ये लीजिए अष्टमी नौमी स्पेशल जो है गर्मा गर्म प्रसाद के काले चने बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और ये खाने में ना बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, और प्रसाद के चने तो वैसे भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये देखिए बिल्कुल सात्विक तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से बने हैं लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे कन्या पूजन पर जो है कन्याओं को दे सकते हैं प्रसाद के तौर पर, बहुत ही अमेजिंग लगेंगे ये बच्चों को खाने में। ये देखिए आप इसे पूरी के साथ जो है ना खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। तो ये सिंपल और आसान सी काले चने की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल चटपटी चटोरी रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।